आप चाहे जितना भी अच्छा वाला फोन ले लो, चाहे जितना भी महंगा फोन ले लो और चाहे आप जितना भी सजा के रखो, वो फोन पुराना हो जाता है। क्योंकि यार मार्केट में इतनी सारी मोबाइल कंपनियां हैं, इतने सारे फोन हैं, अब यार उनको आना ही है तो यार वो नए कहलाएंगे और जो फोन आपने कुछ दिन पहले लिया होगा वो फोन पुराना हो जाएगा। अब मैं क्या कर सकता हूँ, आपने तो पैसे लगाए हैं, आपको बाद में खलेगा कि यार काश थोड़ा सा रुक जाते तो हमें ज्यादा अच्छा वाला फोन मिल जाता। अभी कुछ महीने पहले ही इंडिया में लॉन्च हुआ था रियलमी का XT। बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं कि यार ये फोन पुराना हो चुका है, ये फोन नहीं लेना चाहिए। और सबसे ज्यादा लोग ये कह रहे हैं यार जो इसका नया वाला वेरिएंट आएगा वो ज्यादा अच्छा होगा, उसमें हम पैसे लगाएंगे। आज मैं आपके सारे के सारे डाउट बिल्कुल क्लियर कर दूंगा। आपको वैसे इसकी स्पेसिफिकेशन तो सब पता होगी, ये बात बताने की अभी नहीं है। अब मैं आपको ये बता दूं, जो Realme का XT का 730G होगा, यहां पर आपको सबसे अच्छा तो प्रोसेसर मिलेगा। यहां पर आपको Snapdragon का 712 मिल जाता है और वहां पर आपको मिल जाएगा Snapdragon का 730G। अब जो 730G होगा ना, नो डाउट वहां पर आप ज्यादा अच्छा गेम खेल पाएंगे, ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस आपको मिल जाएगी। यदि आपको बहुत ही अच्छी वाली परफॉर्मेंस चाहिए तो आप Snapdragon का 730G ले सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज ये कह सकता हूं, 730G अपनी जगह बहुत अच्छा है, 712 भी बहुत अच्छा है। और यार इस फोन में मैंने गेम खेला, मुझे कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिली है। और अब तो यार सॉफ्टवेयर अपग्रेड भी मिल जाता है, अभी यहां पर आपको बहुत सारा अपडेट मिल चुका है। अब आपको यार यहां पर सबसे अच्छी बात है, यदि आप नाइट में फोटो लेते हैं तो यार आप फ्रंट में आपको नाइट मोड मिल जाता है, जो यहां पर 64 मेगापिक्सल वाला सेंसर है यहां पर भी इंप्रूवमेंट हो चुका है। अब यार यहां पर आपको वही डिस्प्ले मिलती है जो आपको मिलती है रियलमी के वो जो XT का 730G है, उसके साथ साथ वही फिंगरप्रिंट मिलता है, वही बिल्ड क्वालिटी मिलती है, साथ में वही बैटरी भी मिलती है। एक और अंतर आपको देखने को मिलेगा, वो है फास्ट चार्जिंग। यार फास्ट चार्जिंग अपनी जगह बहुत अच्छी है, लेकिन मैं तो इतना कहूंगा जो यहां पर वो चार्जर आपको मिलता है ना वो भी बुरा नहीं है। आपको फास्ट चार्जिंग अलग से मिल जाती है, आपको 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिल जाता है, उसके साथ साथ आपको 730G मिल जाता है। इतना आपको चेंजेस तो देखने को मिलेगा, यार आपको चेंज तो मिलेगा लेकिन जो फोन का प्राइस होगा ना वो रियलमी के XT से ज्यादा ही होगा। अब यार मेरे हिसाब से उस फोन का प्राइस हो सकता है वही 17-18 हजार रुपए के आसपास, और ये फोन आपको डिस्काउंट में बहुत ही अच्छे प्राइस में मिल जाता है। और मेरे हिसाब से इस फोन का प्राइस ड्रॉप भी हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे लोग ये भी पूछते हैं कि यार इस फोन का प्राइस कब ड्रॉप होगा, क्योंकि ये फोन Redmi के Note 8 Pro को टक्कर दे रहा है। तो यार इस फोन का प्राइस तो ड्रॉप हो सकता है Realme के XT के 730G आने के बाद, और साथ में आपको बैंक की तरफ से भी ऑफर मिल जाएगा और कहीं ये फोन आपको 13-14 हजार में मिल जाए, भाई ये फोन आप पक्का ले सकते हो। क्योंकि यार मेरे हिसाब से इस फोन में आपको हर एक चीज सही मिल जाती है, चाहे इसका रियर कैमरा हो, चाहे इसका सेल्फी कैमरा हो, चाहे इस फोन की बैटरी हो, चाहे इसकी बिल्ड क्वालिटी हो, चाहे इस फोन की डिस्प्ले हो। और जो लोगों को रियलमी XT का 730G ही लेना है, जिन लोगों को ज्यादा पैसा खर्च करना है ना, तो यार उनके लिए तो वो फोन है और ये फोन आज भी लिया जा सकता है। अभी ये फोन पुराना नहीं हुआ है। अब पुराने के लिए तो मैं इतना ही कहूंगा, यार हर एक दिन एक नया फोन आता है, आप चाहे जौन सा फोन ले लो, हर एक फोन पुराना हो जाता है। मैं तो बस यही इंतजार कर रहा हूं कि यार 730G के साथ ना जो 5G वाला फोन है वो भी अनाउंस हो जाए, थोड़ी सी चीजें पता चल जाए तो और अच्छा हो जाएगा। सही प्राइस भी यदि आया तो मोस्ट वेलकम, और यदि प्राइस ज्यादा हुआ ना तो तब हम फिर से यही कहेंगे भैया ये हमारी पहुंच से बहुत दूर है। अब जिन लोगों का बजट है 14-15 हजार रुपए, तो यार उनको तो रियलमी XT में जाना चाहिए, नहीं तो रेडमी के नोट 8 प्रो में जाना चाहिए। और जिन लोगों का बजट 16-17 हजार से ऊपर है ना, तो भैया उनको इंतजार करना चाहिए रियलमी के XT का 730G का, और ये फोन आपको दिसंबर 2019 में पक्का देखने को मिल जाएगा। मेरे पास जब फोन आएगा ना तो मैं एक कंपैरिजन वीडियो भी बनाऊंगा रियलमी XT का, वो भी XT के 730G से। तो थोड़ा सा इंतजार करिए, और अभी भी आपके दिमाग में डाउट है इस फोन को लेकर ना, वो सारी की सारी चीजें आप पूछ सकते हैं। और इस वीडियो में यदि आपको कुछ अच्छा लगा हो ना तो यार वीडियो को लाइक और साथ में शेयर करना ना भूलिएगा। इस चैनल पे यदि आप पहली बार आए हैं ना तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जस्ट बगल में आपको एक बेल बटन मिलेगी, इसे प्रेस कर देंगे तो आपको हर एक वीडियो सबसे पहले मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।
जय हिंद।